साधक मोहित ने एक प्रश्न किया है कि हम जीवन में खुश कैसे रहें। बड़ा प्यारा प्रश्न है। जीवन में दुखी कौन होना चाहता है? आप जरा बताएं हाथ उठा करके, कौन दुखी होना चाहता है आप में से? एक भी नहीं। सचमुच हम दुखी नहीं होना चाहते, क्योंकि दुख हमारा चरित्र ही नहीं है। हम आनंद रूप हैं, परमानंद रूप परमेश्वर की संतान। दुख रूप भला कैसे हो सकती है? सिंह की संतान सियार कैसे हो सकती है? आनंद हमारा चरित्र है, आनंद हमारा स्वभाव है। अपने मूल स्वभाव की तरफ ही हम बढ़ना चाहते हैं। एक मरणासन्न व्यक्ति भी, एक रोगग्रस्त व्यक्ति भी, एक शोकग्रस्त व्यक्ति भी, विपन्न स्थिति में पहुंचा हुआ स्थिति व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं जीवन को आनंद में बनाऊं, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हूं। तो आनंद की जिज्ञासा या दुखों से मुक्ति की जिज्ञासा कोई नई बात नहीं है, वो आपका चरित्र में है। दर्शन कहता है जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख त्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि तीन प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब राम राज हो जाए, जब अध्यात्म का राज हो जाए, जब परमेश्वर हमारे, हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें, तो तीन प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रामराज कौन सा है? कि जहां राम के चरित्र को हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, राम को आत्मसात कर लेते हैं, राम को हम जीते हैं। क्या है राम का चरित्र? प्रसन्नतायाम न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखते, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु सा मंजुल प्रदा। राम का चरित्र क्या है? कि प्रसन्नतायाम न गता, यानी प्रसन्नता ने उनको छुआ नहीं। हमको एक लॉटरी मिल जाए तो हम हुर्रे करके कूद पड़ते हैं। अगर जरा सा कुछ आशा से अधिक प्राप्ति हो जाए तो पगला जाते हैं खुशी से और गाते हैं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मरना जाऊं। नहीं, राम का चरित्र है कि वो एकदम तटस्थ हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। अभिषेक की खबर आई है कि भगवान राम के पिता दशरथ के साथ एक घटना हुई। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु असोपदेशा, के कान के पास मुझे आज मुकुर में, दर्पण में सफेद से बाल दिखाई दिए हैं। सुमंत, लगता है अब बड़ापन आ गया, जठरपन आ गया, मैं वृद्धता की तरफ बढ़ रहा, इसलिए मुझे अपने तो नई पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। और उन्होंने तभी फैसला किया कि अपने सबसे बेटे राम को मैं राज्याभिषेक करता हूं। राम तक भी खबर पहुंच गई कि तैयार हो जाइए, कल सुबह ही आपको अभिषेक होना है। अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। उस समय राम न सुखी है न दुखी है, तटस्थ हैं वो। किसी भी, आप देखें कि अगर आप तटस्थ हैं, अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं, तो आप दुख को भी झेल जाएंगे, आप सुख को भी झेल जाएंगे। राम को राज्याभिषेक के समाचार ने विचलित नहीं किया। कोई प्रसन्नता नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई शोर शराबा तमाशा नहीं, कोई पार्टी नहीं। न ममले वनवास दुखते। उसका परिणाम क्या हुआ कि अगले ही पल जो घटना राजमहल में घटी, केकई को मंथरा ने जिस तरह की शिक्षा दे दी, जो याद दिला दिए वचन कि यही मौका है कि जो उस युद्ध भूमि में दशरथ ने आपसे वायदा किया था कि जब चाहे दो व्रत मांग लेना, दो वर मांग लेना, तो इससे अलावा और कौन सा मौका मिलेगा, यही मांग लो। और दो कौन से उन्होंने वर मांगे कि राम को तापस वेश अस्तीव उदासी, 14 वर्ष राम सन्यासी, कि तपस्वी का वेश पर है राम और बिल्कुल उदासीन अवस्था में। यह नहीं कि
नाटक करना है फॉरेस्ट जाने का, लग्जरी के लिए नहीं जाना है, उदासीन होकर के वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, और दूसरा वर यह कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन दिया जाए। लेकिन जब यह खबर राम को मिलती है तो राम न ममले वनवास दुखते, उनको जब कहा गया पहला ऑर्डर कैंसिल कर दिया है राजा दशरथ ने, अब राज तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तो वनवास जाना है, और वो भी 14 साल के लिए और तपसी के वेश में जाना है। राम के ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ है, वो विचलित नहीं होते हैं। तो दुखों से बाहर आने का एक ही तरीका है, सुख से बाहर आने का भी एक ही तरीका है कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाएं। ये सुख और दुख दोनों दर्शन में कांटे बताए गए हैं। हमारे पैर में जब कांटा चुभ जाता है तो हम कांटा निकालने के लिए एक दूसरा कांटा खोजते हैं, खोजते हैं ना, तो जब हम दूसरा कांटा खोजते हैं तो उसे छेद करके जो कांटा गड़ गया निकालते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों ही कांटों को हम दूर ऐसी जगह फेंक देते हैं कि वो किसी को फिर ना चुभे। ऐसा नहीं होता कि एक कांटे को हम दिल से लगा करके रखें कि वाह इसने तो हमारा दूसरा कांटा निकाला था। ऐसे ही सुख अधिक हो जाए तो दुख आ जाए, जिससे कि सुख की महिमा हम भूले नहीं। दुख आज रहने लगे अधिक समय तक तो सुख आ जाए, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख मिचौली हो, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख दोनों स्थितियों में हम स्थित प्रज्ञ हों, दोनों की झलक हम देखें और जीवन के सत्य को जाने रहें, तो फिर हम शाश्वत आनंद में रहने के अभ्यासी हो जाएंगे। तो दुख बाहर से कोई नहीं निकालेगा, सुख बाहर से कोई हमें नहीं देगा। यद यद आत्मवशम सुखम, यद यद परवशम दुखम। जो जो आपके अपने बस में है उसको मनोयोग से करिए, यही सुख का साधन है। और जो ऐसा कर देता है आपको कि आप दूसरे पर आश्रित हो जाएं, तो आपको कुछ भी बड़े से बड़ी उपाधि मिलनी हो वो दुख का कारण होती है, क्योंकि आप परबस हो गए हैं। सुख और दुख में इतना सा ही अंतर है कि हम परबस ना हो, हम आत्म केंद्रित हो, और हम सुख और दुख दोनों से दूर रहने के लिए, दोनों से ऊपर रहने के लिए राम के जीवन को अपने सामने एक रोल मॉडल के रूप में रखें और शाश्वत आनंद की अवस्था में जीने का लुत्फ उठाएं।